हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं चैनल अकाउंट्स मस्ती। आज हम करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ लेज़र, कि आखिर में जो लेज़र होता है उसको हम क्यों बनाएं और कैसे बनाएं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है। मैं आपको लास्ट में इसका कुछ एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, जिससे कि आप लेज़र जल्दी से जल्दी बना पाएंगे और बहुत ही इजी वे में बना पाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इन द जनरल, ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस एंड इनकम्स आर रिलेटेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए, इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें कहा गया है कि जनरल एंट्री में हम सारे पर्सन्स, असेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम सभी के जो एंट्रीज हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। फ्रॉम द जनरल वन कैन नॉट फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। अगर हम जनरल एंट्री में बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा मुश्किलें आ सकती हैं अकाउंट्स को फाइंड करने में। अगर हमें मान लीजिए परचेज की एंट्री देखनी है तो हमें पूरी बुक खोलनी पड़ेगी, एक एक एंट्री पढ़नी पड़ेगी कि यहाँ पे परचेज की एंट्री कौन सी है, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जनरल एंट्री के बाद लेज़र बनाते हैं। और एक बात ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमें लेज़र बनाना है तो उसके लिए हमें पहले जनरल एंट्री ही बनानी पड़ेगी, बिना जनरल के आप लेज़र नहीं बना सकते। इसी के बाद है मीनिंग ऑफ लेज़र। द लेज़र इज़ द मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो लेज़र है वो बहुत ही मेन बुक है किसकी, अकाउंटिंग सिस्टम की। इट कंटेन्स डिफरेंट अकाउंट्स वेयर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू दैट अकाउंट आर रिकॉर्डेड। ये एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पे हमें हर चीज़ का अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपके पास जनरल एंट्री में कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री है, ड्राइंग ट्रांजेक्शन की एंट्री है, उसी में डिस्काउंट भी है, उसी में किसी पार्टनर की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास चार ट्रांजेक्शन्स की एंट्री है। अगर हम चार अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने लेज़र बनाया है। और अगर हमें डिस्काउंट के बारे में जानना है तो हम सीधे डिस्काउंट अकाउंट देखेंगे, अपने अपडेट देखेंगे और उसको मैच कर सकते हैं। तो लेज़र का मीन्स ये होता है। तो इसमें अगर हमारे पास 10 ट्रांजेक्शन है तो हमें 10 अकाउंट बनाने पड़ जाते हैं। और एक बार बात और, जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेबिट वाला कहाँ लिखना है, क्रेडिट वाला कहाँ लिखना है और किधर वाले को यूज़ करना है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल द अकाउंट्स डेबिटेड और क्रेडिटेड इन जनरल जर्नल एंड various special journals. It may be in the form of a bound register or cards or separate sheet may be mounted in a loose leaf binder. In the laser, each account is opened preferably in a separate page or cards. वही मैंने जो बोला है यहाँ पे, बिल्कुल वही लिखा हुआ है कि हमें इसमें अलग अलग accounts बनाने पड़ते हैं और सबके लिए एक separate page होता है। अगर हमने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया तो यहाँ सिर्फ हम कैश के बारे में लिखेंगे, और अगर हमने ड्राइंग अकाउंट बनाया तो ड्राइंग के बारे में, अगर किसी पार्टनर का है तो पार्टनर के बारे में, मतलब जो पार्टनर्स के ट्रांजेक्शन सिर्फ वही लिखे जाएंगे। और यहाँ पे जैसा जो हमारा जनरल अकाउंट होता है उसी के डबल हमें करना पड़ता है, तो लेज़र बन जाता है। मीन जनरल में डेट पार्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट लिखते हैं, तो लेज़र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेट पार्टिकुलर JF लिखना पड़ता है जनरल एंट्री, मतलब जनरल के लिए। अगर हम जनरल बनाते हैं तो LF लिखते हैं, अगर लेज़र बनाते हैं तो JF लिखते हैं, फिर डेबिट हो गया, फिर डेट पार्टिकुलर JF क्रेडिट। डेफिनेशन ऑफ लेज़र अकॉर्डिंग टू LC क्रॉपर, द बुक विच कंटेन्स अ क्लासिफाइड एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड द लेज़र। लेज़र वो अकाउंट है जहाँ पे हम अलग अलग क्लासीफाई करके अकाउंट्स बनाते हैं और यहाँ पे एक परमानेंट रिकॉर्ड हमें मिल जाता है। तो आपको ये दो तीन जितने भी डेफिनेशन दी हैं उनमें से कोई एक को याद रखना है, ठीक है। इसी के बाद आ जाते हैं फीचर्स में।
द लेजर इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट. इधर पे हम सारे अकाउंट्स को बहुत ही इजी वे में स्टडी कर सकते हैं. द यूनिट फॉर द लेजर इज द अकाउंट. अगर हम लेजर बना रहे हैं तो हर अकाउंट मतलब हर वर्ड के पीछे अकाउंट लगाएंगे. अगर हम जैसे कैश के लिए अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे हम कैश अकाउंट लिखेंगे. यहाँ पे हमें गलती से भी बुक नहीं लिखना है क्योंकि यह अकाउंट्स की बात होती है. जब लेजर हम बनाते हैं तो इसमें हम अकाउंट्स बनाते हैं. बट जब सब डिवीज़न ऑफ जनरल आप इसके आगे पे पढ़ेंगे एक की सब डिवीज़न ऑफ जनरल. तो जब हम सब डिवीज़न ऑफ जनरल करते हैं तो वहाँ पे हमको बुक लिखना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे हम एक सेपरेट फाइल्स बनाते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए. तो वहाँ पे सब्सिडायरी बुक्स यूज़ होते हैं मतलब कैश बुक और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक. तो वहाँ पे बुक्स यूज़ करते हैं. बट यहाँ पे हमें अकाउंट्स यूज़ करना पड़ता है. जैसे अगर किसी पार्टनर का है तो पार्टनर का नाम, फिर अकाउंट कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. तो ऐसे होता है. ठीक है. इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल, इट इज़ डिराइव्ड रिकॉर्ड. हमने बोला कि अगर लेजर बनाना तो पहले आपको जनरल बनाना ही पड़ेगा. इट मेंटेन्स द करेंट बैलेंस ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. इसमें हमें करेंट बैलेंस पता चल जाता है. इट समराइजेज द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन अपॉन असेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. इसमें हमें असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल और एक्सपेंसिस के बारे में पता चल जाता है. अ पार्टिकुलर लेजर प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर. यहाँ पे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी भी ट्रांजेक्शन की. इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस. लेजर के वो जनरल के बाद अगर हम लेजर बना लेते हैं तो इससे हमें ट्रायल बैलेंस बनाने में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है. लेजर इज द चीफ बुक ऑफ अकाउंट्स. ये जो है हमारी थोड़ा इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है अकाउंट्स के लिए. इसी के बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस. लेजर हेल्प द ट्रेडर टू अचीव द बुक्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग. इससे अगर हम लेजर बनाते हैं तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा जो मतलब कि बिजनेस की पोजीशन कहाँ पर है, कैसी है. अगर हम मतलब कहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, कब हमने कितना सामान बेचा, ये सब की जानकारी हम मिल जाती है. इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस. इसमें हमें सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हमारे बिजनेस के लिए. द रिलेशन ऑफ द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पार्टिकुलर अकाउंट ऑन अ गिवन डेट कैन बी एसर्टेन ओनली फ्रॉम द लेजर. अगर ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है सॉरी, ये पॉइंट कह रहा है कि अगर हमें रिलेशनशिप जानना है अपनी फर्म का कि मतलब किसने कितना खरीदा, कब खरीदा, किस डेट में खरीदा, सारी जानकारियां हमें सिर्फ लेज़र से मिल सकती हैं. ईच लेज़र इज़ नंबर्ड हैंस प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस एंड क्रॉस रेफरेंसिंग. हाँ, इसमें हमें सबको जल्दी से जल्दी मिल जाता. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स, फ्रॉड्स एक्सेट्रा. इसमें हमें क्या होता है कि कभी भी फ्रॉड की या कोई भी एरर की जो मुश्किलें होती हैं कि अगर हम कुछ लिखना भूल गए या क्या हो गया, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम वो कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास जनरल बना है, हम लेज़र बना करके उसको कंप्लीट कर सकते हैं. लेज़र इज़ रिकॉग्नाइज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एज अ लीगल प्रूफ. और अगर हम इस लेज़र को, क्योंकि हम बिजनेस चला रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे जिसके लिए हमें अपने अकाउंट्स दिखाने पड़ते हैं. उसके हिसाब से हमारा टैक्स जो है वो डिसाइड होता है कि आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं या आपका इतना एरिया है तो इसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स इतना होगा. तो अगर हम लेज़र बना के कोर्ट में या इनकम टैक्स ऑफिसर को देंगे तो वो लीगली हमें मानेगा कि हाँ आपका इतना प्रोडक्शन हुआ, इतना ये हुआ. तो इसीलिए हमें कभी भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए. अगर हम बिजनेस अपना चला रहे हैं तो हमें ये नहीं करना चाहिए कि हमें उसमें अपनी इनकम को कम दिखाने मतलब इनकम टैक्स कम भरने के लिए अपनी इनकम को कम दिखाएं. तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. चलिए, तो
इसका प्रोफार्मा और हम देख लेते हैं कि क्या है इसके प्रोफार्मे में। तो ये रहा प्रोफार्मा, देखिए डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इस तरफ का डेबिट और इस तरफ का क्रेडिट। जो भी हम एंट्रीज करेंगे वो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे डबल एंट्रियाँ नहीं होती। मींस जैसे जनरल में हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना रहता है कि जो चीज़ डेबिट है, जो आपका मेन पॉइंट है, जो सस्पेंस मैंने वीडियो के फर्स्ट में क्रिएट किया था, मतलब ये कि आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, तो वो ट्रिक ये है कि जो जनरल हम बनाते हैं, तो जनरल में जो सबसे ऊपर ऊपर वाली एंट्रियाँ होती हैं, मतलब जो डेबिट्स वाली एंट्रियाँ होती हैं ऊपर साइड की, जैसे दो एंट्रियाँ हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो जो कैश वाली एंट्री है वो कैश अकाउंट में लिखी जाएगी और जो जो डेबिट है उसको हमें क्रेडिट कर देना है और जो क्रेडिट है वो डेबिट करना है। लेकिन क्रेडिट वाली एंट्री से हमें उतना ज़्यादा यहाँ पे मतलब नहीं रहता, हमें जितना मतलब है सारी ऊपर वाली एंट्रियों से मतलब होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि परचेज जो होता है वो हमेशा कितना रहता है डेबिट में, लेकिन सेल्स क्या होता है क्रेडिट में। तो जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स को हम क्या करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे, क्योंकि सेल्स जो है वो क्रेडिट होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि जनरल एंट्री में जो डेबिट है वो क्रेडिट करना है हमें लेजर में, और जो जनरल में क्रेडिट है वो लेजर में हमें डेबिट करना पड़ता है। तो यही है सिंपल सा रूल। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कुछ को कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ यार कमेंट कर दिया करो कि हाँ मैम थोड़ा सा यहाँ पे हमें और सीखना है, यहाँ पे और डीप में बताइए। और इंस्टा फेसबुक टेलीग्राम सब में हम अवेलेबल हैं।